आज हम बनाएंगे केले की चटपटा सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर केला लिए हैं जो 300 ग्राम के करीब है। इन केले को हम अच्छे से धो लेंगे। केले अच्छे से हमने धो लिए हैं और इसे छील लेते हैं। केले को छीलने के बाद हम इसे धोएंगे नहीं, तो हम बाकी सारे केले को इसी तरीके से छील करके तैयार किए हैं। केले की सब्जी बनाने के लिए मसाले की तैयारी करते हैं, जिसमें है 4 कली लहसुन का, हरी मिर्च ने 3 लिया है, साबुत धनिया 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा हमने लिया है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो हमने मसाले को पीस लिया है, हल्दी नहीं डाला था, तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल करके मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलर अच्छा आ गया है। तब हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे और गरम होने पर इसमें हम तेल डालेंगे। तो इस सब्जी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे, काफ़ी टेस्टी लगता है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम केला में छेद कर लेते हैं। आप चाहे तो चाकू से कहीं कहीं भी कट कर सकते हैं ताकि केला जो है अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो इसी तरीके से हम सारे केले में छेद कर लेंगे। काफ़ी अच्छे से छेद हो गया है। इधर कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, तो इस तेल में हम केला को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम पर केला जो है जल्दी नहीं पकेगा। इसे हम पलटते पलटते हुए लाल फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केला का कलर चेंज हो गया है, ये लाल कलर का हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। केले को तलने के बाद कढ़ाई में ज़्यादा तेल था तो उसे हम निकाल दिए हैं और इसमें हम तेज़पत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च और जीरा को डाल दिए हैं। इसे तड़कने के बाद इसमें हम 1 कटी हुई बारीक प्याज डाल देते हैं और इसे हम लाल होने तक भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं जो हमने पीस करके रखा है। इस मसाले की जगह आप पाउडर मसाले का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ये टेस्टी सब्जी बनती है। तो इसे अब हम चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। प्याज भी अच्छे से भुनी चुका है। हरी मिर्च से कलर जो है सब्जी में नहीं आता है, तो मसाले के साथ साथ हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी पाउडर डाल देते हैं और इसे चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि सब्जियों का टेस्ट मसाले से ही आता है। तो मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर को पीस करके हमने डाला है, तो हमने मीडियम साइज का टमाटर लिया है। इन सारे मसालों के साथ टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस पर हम ढक्कन चढ़ा देते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे भूनने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ढक्कन हटाने के बाद मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं, पानी भी सूख गया है। थोड़ा देर हम ढक्कन हटाने के बाद भी मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो जिस कटोरी में हमने मसाले लिए थे उसी कटोरी में 1 कटोरी हम इसमें पानी डाल देते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। पानी डालने के बाद अब हम इस पर ढक्कन चढ़ा देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसे उबलने देते हैं। तब तक हम केला लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। केला जो है अच्छे से अंदर तक पक गया है। दबाने पर आप देख सकते हैं कि ये मुलायम है, तो इसे हम कट करके डाल देंगे। आप चाहे तो बिना काटे भी डाल सकते हैं। केला की सब्जी खाने के बाद आप चिकन खाना भी भूल जाइएगा। ये केले की सब्जी काफ़ी सॉफ्ट लगती है खाने में। हमने सारे केले को काट करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ढक्कन हटाने के बाद ग्रेवी जो है उबल रहा है और इसमें हम कटे हुए केले डाल देते हैं। इसके साथ साथ हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम ढक करके पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद सब्जी जो है अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी भी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि सब्जी ठंडी होने के बाद ग्रेवी जो है गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से धनिया की पत्ती को डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी बन करके तैयार हो गया है और इसे हम प्लेटिंग भी कर लेते हैं।
काफ़ी सब्जी अच्छे बन करके तैयार हुई है। इसे आप रोटी पराठे चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। धन्यवाद।